अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ टॉपिक एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। तो आज हमने डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड यूज़ करना है। ए पार्ट हमारे पास है 728 इंटू 101। 728 इंटू 101 इज इक्वल टू 728 इंटू, अब हमने 101 को डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है दो हिस्सों में। 100 प्लस 1 यानी 101 हमारे पास है, तो ये 100 से ज़्यादा है, तो इसको हमने प्लस 1 करना है। अगर यहाँ पे 99 होता इसकी जगह तो बच्चों हम उसको माइनस 1 करते। तो यहाँ पे 101 है तो हमने लिखना है 100 प्लस 1। अब 728 को हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। 728 इंटू 100 दैट इज़ इक्वल टू 72,800। तो फिर प्लस 728 मल्टीप्लाई 1, तो 728 वन ज़ार 728, तो वो हमारे पास है। अब हमने 72,800 प्लस 728, वो हमारे पास जवाब आ गया 73,528। बी पार्ट हमारे पास है 5,437 इंटू 1,001। 5,437 इंटू 1,001 वो हमारे पास है 5,437 इंटू 1,001 को आप डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने दो हिस्सों में। तो 1,001 वो हमारे पास आ गया 1,000 प्लस 1, ये हो गया 1,001। अब 5,437 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1,000 के साथ, तो वो हमारे पास आ गया 54,37,000। तो फिर हमने 5,400 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो वो हमारे पास आ गया 5,437। फिर अब हमने इनको ऐड करना है 54,37,000 प्लस 5,437, वो हमारे पास आ गया बच्चों 54,42,437। तो इसका जवाब हमारे पास आ गया 54,42,437। तो सी पार्ट हमारे पास है 824 इंटू 25। यहाँ पे हमने 25 को ब्रेक करना है यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है दो हिस्सों में, हो गया 20 प्लस 5। फिर हमने 824 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, वो हमारे पास आ गया 16,480 प्लस। अब 824 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो वो हमारे पास आ गया 4,120 इज इक्वल टू, अब हमने इनको ऐड करना है 16,480 प्लस 4,120, वो हमारे पास आंसर आ गया 20,600। तो अब डी पार्ट हमारे पास है 4,275 इंटू 125। 4,275 इंटू 125 ये हमारे पास आ गया 4,275। अब हमने 125 को ब्रेक करना है यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये तीन हिस्सों में चला गया। 100 प्लस 20 हो गया 120 प्लस 5 125। अब हमने 4,275 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है 4,275 इंटू 100, वो हमारे पास आ गया 4,27,500 प्लस।
अब 4275 इंटू 20 85,500 प्लस 4275 इंटू 5 21,375। अब हमने इन तीनों को ऐड करना है एक साथ, तो वो हमारे पास आ गया 5,34,375। तो ई पार्ट हमारे पास है बच्चों 500 को अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये 504 है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 500 प्लस 4 इंटू 35, 35 को इसी तरह रखना है, 500 इंटू 35 प्लस 4 इंटू 35, यानी 500 को भी हमने 35 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर प्लस 4 को भी 35 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 500 इंटू 35 वो हमारे पास आगे बच्चों 17,500 प्लस 4 इंटू 35 हो गया 140। अब टोटल हम जब इसको ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आ गया 17,640। सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इन नाउ, वी विल मोर डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। थैंक्स।